एसएसएलसी एग्जाम के बाद दो छात्र गुटों में झड़प, छात्र हुए जख्मी, तीन लोग अरेस्ट। एग्जाम हाल से शुरू हुए छात्रों के बीच का झगड़ा धारदार हथियारों से हमले के साथ खत्म हुआ। हासिल जानकारी के मुताबिक शहर के एक निजी स्कूल परिसर में दो छात्र गुटों के बीच हुई झड़प, जिसमें कुछ छात्र जख्मी हुए हैं। जख्मी छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जख्मी छात्रों ने बताया कि झगड़ा एग्जाम हॉल में शुरू हुआ था। गाली गलौज के बाद मामला ठंडा हो गया था, लेकिन उसमें से एक गुट ने एग्जाम खत्म होने के बाद यानी आखिरी दिन उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। इसी के चलते आज दोनों गुटों में झड़प हुई है। जख्मी छात्रों ने बताया कि बाहर से आए हुए गुंडों ने उन पर पंच, तलवार जैसे धारदार हथियारों से हमला किया है। हमले के तीन आरोपियों को कैंप पुलिस ने मौकाए वारदात से धर दबोच लिया है। तीनों आरोपियों की उम्र 18 साल से ऊपर की बताई गई है। शहर के कैंप पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मराठी के प्रोग्राम पहले देखे और पहले दिन गालियां दिए हमारी तरफ, देखो फिर क्यों गाली दिए बोलने में, बोले कि लास्ट दिन तू मिल। फिर लास्ट दिन उन्होंने उनके पोराओं को बुलाए थे, फिर बड़े बड़े पोराए कम से कम 30 जाने तो थे, हमें 7-8 थे, हमने मिल को एकदम से मारने का चालू किए। फिर मेरे अकेले को बीच में खींचे, 6-7 जाने मिल को मुष्टी और जम्बी से मारे। फिर आउट को देखने तक सभी जाने गए थे भाग को, और मैं ऑटो में बैठ को आया इधर। सब नहीं, थोड़े लोग ऐसा हाथ में जम्बी गिम्बी कड़ा गिड़ा पकड़े थे, नहीं पहले नहीं हुए थे, खुद ही गाली देखो का। हाँ एकदम से, हाँ क्लासमेट नहीं दूसरे स्कूल के थे, वो एग्जाम ब्लॉक में एग्जाम के बाद मिलके मारे, लास्ट एग्जाम थी आज, वो सेंट्रल कन्नड़ा मीडियम। एकला चाकू से मारा ऐसा सिर पर और मुष्टी से यहाँ मारा, और एकले को मुष्टी से सिर में मारे पीछे, उसे पूरा खून आ रहा, और उसके पापा के भी हाथ को लगा, पापा के भी हाथ को मारे। 30 जाने आए थे कम से कम।